बड़ी खबर जो मध्य प्रदेश के सतना जिले से आ रही है, मामा के राज में प्रदेश की भांजिया नहीं है सुरक्षित। एक तरफ प्रदेश के मुखिया 16-16 घंटों तक काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश को और अत्यधिक स्मार्ट बनाने में, वहीं दूसरी ओर इंदिरा कॉलेज के प्रोफेसर छात्राओं को प्रताड़ित करने से पीछे नहीं हटते। शिक्षा के मंदिर में छात्राओं को किया जाता है प्रताड़ित, ऐसा मामला उजागर हुआ शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय इंदिरा कॉलेज, जहां बीते 3 वर्षों से एक छात्रा इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है, परंतु छात्रा को आज तक इंसाफ नहीं मिला। जबकि छात्रा ने सीएम हेल्पलाइन, उच्च शिक्षा विभाग भोपाल में, सतना कलेक्टर, एसपी, ऐसा कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं बचा जहां छात्रा ने इंसाफ के लिए गुहार न लगाई हो। छात्रा को प्रताड़ित करने वाले काफी रसूखदार लोग हैं, जो अधिकारियों को अपनी पहुंच बताने से पीछे नहीं हटते। पहले छात्रा को प्रताड़ित किया, फिर प्राध्यापक एके पांडे जी को घर भेजा, समझौता कराने के दबाव बनाया गया और बोले कि सीएम हेल्पलाइन ए कंप्लेन वापस ले लो, नहीं तो जान से मारने की धमकी तक दे डाली। साथ ही रश्मि के दम पर यूनिवर्सिटी जांच को अपने पक्ष में करने के बाद मानहानि का नोटिस देकर छात्रा से 1,50,000 रुपए, साथ ही एक नोटिस का अधिवक्ता खर्चा 5,100 रुपए मांगा। छात्रा ने फर्स्ट ईयर में भी की थी शिकायत, बाद में दबाव बनाने पर वापस ली थी शिकायत। वहीं कई बार छात्रा द्वारा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से शिकायत के बाद न जांच की गई, न ही कोई कार्यवाही। कॉलेज के कई छात्रों ने पहले भी लगाए थे आरोप, जिसके बाद आभा गोयल का कर दिया गया था ट्रांसफर। प्राध्यापिका से परेशान होकर कॉलेज की कई छात्राएं, छात्रा ने डीएसपी और अपर कलेक्टर निष्पक्ष जांच की मांग की। निश्चित रूप से अत्यंत जांच का विषय है, देखना होगा कि छात्र को इंसाफ कब मिलता है। टीम उद्घोष समय सतना से आशीष कश्यप की रिपोर्ट।